हेलो माय फ्रेंड्स, आज आपको मैं ले चलती हूँ छटोरी गली और छटोरी गली में घुमाती हूँ आज, क्योंकि मैं घूम रही हूँ तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको भी मैं घुमाऊँ, क्योंकि आप भी मेरे फ्रेंड्स हैं। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर भैया ने इस मशीन में पेसा डाला हुआ था, फायर वाली, ये शायद अवन जैसा कुछ वर्क करता है, और इसमें से भैया ने ऐसे पेसा निकाल दिया। और फिर बच्चों के टॉय भी यहाँ पर मिल रहे थे, जो कि ये नीचे लगा के एक अंकल रखे हुए थे, और अंकल यहाँ पर जो ये रेट है बच्चों के लिए, ये बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ही शैतान होते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी तोड़ देते, तो मुझे लगता है वो सही है। और ये इयररिंग्स की शॉप थी, और यहाँ पर रिंग था, और ये मतलब मुझे, मैंने देखा तो ये बहुत ही अच्छी एक शॉप थी, जहाँ पे दो गर्ल्स ले भी रही थी। और यहाँ पर जो मैंने पूछा रिंग की, तो उन लोग ने मुझे बताया कि 150 और 100 का है, और जो मतलब यहाँ की जो है ना, मतलब रिंग, तो जब मैं गई तो मैंने देखा लाइट ऑफ थी, फिर मैंने लाइट ऑन कराई, भैया ने एक टॉर्च से, अपने फोन टॉर्च से लाइट ऑन किया, फिर मैंने देखा तो बहुत ही सुंदर था यहाँ पे रिंगिंग, तो लेकिन मुझे मतलब इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल चीज़ इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका कलर बहुत जल्दी निकल जाता है और मुझे फिर वो बहुत गंदी लगती है। लेकिन ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी, तो आप लोग जाकर अब छटोरी गली के साथ साथ यहाँ पर भी शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ज्वेलरी का सामान आपको मिलेगा। अब ये मत सोच लेना कि मैंने आपसे बोल दिया कि आप लोग यहाँ पर जाके ले सकते, तो आपको लगे नहीं मैं वहाँ पर जाऊँगी और वहाँ पर शॉपिंग करूँगी, कपड़े मिले होंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप है, और मैक्सिमम सिर्फ 3 शॉप्स थी, क्योंकि मैंने तो पूरा देखा तो 3 ही थी। अब इसके बाद आप लोग घूमिए और मेरे साथ साथ देखिए पूरी छटोरी गली कैसी है और वहाँ पर क्या क्या मिलता है, और बस इतना ही मैं बताऊँगी आपको, क्योंकि अब ये भी घूमना है। और हाँ, जब तक कि आप लोग मेरे साथ छटोरी गली में घूम रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि मुझे भी चीज़ें देखना पसंद है और मुझे पता है कि आप लोग को भी देखना पसंद है, तो प्लीज़ तब तक के लिए, जब तक आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, बस इतना ही, बाय। बताशे लाओ मटर लगा के। भैया बेलपुरी शिव पापड़ी दही चटनी तो चाहिए, अब एक दही क्या रहेगा।